मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का सातवां दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति व प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 39 में से 25 छात्र व 14 छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया तथा कुलाधिपति ने स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र मोहम्मद अनस को प्रदान किया तथा अन्य छात्रों को डिग्री प्रदान किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय बना जिसने नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड पाया है। यह केवल यहाँ के टीम वर्क पर ही संभव है। छात्र संघ चुनाव जब तक सकारात्मक माहौल ना हो नहीं होना चाहिए। वहीं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि हर तकनीकी से विश्वविद्यालय के छात्रों को एक दिन इंडस्ट्रियल विजिट महीने में जरूर करना चाहिए, मेरी सरकार से गुजारिश है। वहीं मुख्य अतिथि MG मोटर्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने कहा कि मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। छात्रों को चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार समझौता करते हुए सकारात्मक दिशा में विकास करना चाहिए। हर संस्थाओं में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JB पांडे, कुलसचिव जयप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति स्वर्ण पदक पाने वाले छात्र निखिल शुक्ला व कुलाधिपति स्वर्ण पदक पाने वाले मोहम्मद अनस ने कहा, कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि प्रज्वलन एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर, शाम समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने का अनुरोध। शुभारंभ की घोषणा करते धन्यवाद। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, कार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। जो आचरण अच्छे आचरण है वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है। तुम्हारा पंथ मंगलमय हो। क्या करता हूँ कि एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रबंधक अपने कर्तव्य का निर्वहन तथा व्यवसाय की सत्यनिष्ठा को सदा परिपुष्ट करूंगा एवं को देश एवं मनुष्य मात्र की सेवा तथा विश्वविद्यालय
समारोह में उपस्थित माननीय प्रावधिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार श्री आशीष पटेल जी का इस परिसर में पहली बार पदार्पण हो रहा है और हम सब इसके लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। आपका इस परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के मुख्य अतिथि श्री राजीव चावला जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमजी मोटर्स इंडिया के हैं, वो विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं। हम सभी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री चावला जी इस विश्वविद्यालय के 1984 के बीते ग्रेजुएट भी हैं। इनकी परीक्षा प्राथमिक विश्वविद्यालय गोरखपुर क्यों कुलाधिपति अपने पद की निहित शक्तियों से आपको इस विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि प्रदान करती हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। धन्यवाद। शोध निदेशक ने शोध प्रारंभ किया। अपर्णा वर्मा जिन्होंने डॉक्टर कसेमारी जावेद के शोध निदेशक में अपना शोध निदेशक अपना शोध प्रारंभ किया। डॉक्टर ए के डेनियल जिनके शोध निदेशक में शोध प्रारंभ किया। जिन्होंने प्रोफेसर विक्टर राय जिन्होंने डॉक्टर डी के फिजिक्स से ही अपना शोध प्रारंभ किया। इन्होंने डॉक्टर जयप्रकाश जी के संगणक विज्ञान एवं अभियंत्रण विभाग से एमटेक के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अंशिता मालवीय जिन्हें कुलपति स्वर्ण विद्युत अभियंत्रण विभाग से एमटेक के कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद्युत कर्ण एवं संचार अभियंत्रण विभाग से एमटेक के डिजिटल सिस्टम गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। स्वर्गीय श्री इंद्रासन लाल श्रीवास्तव मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया गया। स्वर्गीय संसारित राम पांडे मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। पीताली शरण कांडो मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। एमएससी इन केमिस्ट्री एमबीए मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट दिया जा रहा है। एमसीए में हमारे मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। गोल्ड मेडल और आईसीसी अल्टरनेट सीमेंट गोल्ड मेडल बीटेक कंपनी अमित कुमार गुरपक्षर स्वर्ण पदक स्वर्गीय गौरी शंकर दास ने ओवरऑल टॉपर ऑफ बीटेक अकेले हैं जिनको राजपद स्वर्ण पदक मिला है। श्री नंगलिया गोल्ड मेडल आरएसवी गोल्ड मेडल और क्लास ऑफ 94 गोल्ड मेडल 94 मेमोरियल गोल्ड मेडल। रसायन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गॉस टॉपर प्रज्ञा कुमारी चंद्रन श्रीमती किशोरी देवी गोल्ड मेडल। इस पासवान अजित कुमार
ग्राम रायगंज से ज्ञान प्रतियोगिता की विजेता सुंदरी ग्राम पिलवार से मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, विश्वविद्यालय की कुलाधिपति, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमजी हेक्टर के भारत के प्रबंध निदेशक श्री राजीव चौबा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण और आज इस दीक्षांत समारोह में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में विभिन्न डिग्रियां प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं का मैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास समेटे हुए। 1962 में जब इस संस्थान की स्थापना हुई थी और 2013 में जब इसने विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया, तब से लेकर इसने बहुत सारे मील के पत्थर प्राप्त किए हैं। मैं आज गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदया के जबरदस्त निर्देशन, उनके गार्जियनशिप में उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने नैक में ए ग्रेड प्राप्त किया। मैं आदरणीय कुलाधिपति महोदया का धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबको बताना भी चाहूंगा कि मैडम के लगातार दिशा निर्देश जिस प्रकार से सबको व्यक्तिगत रूप से मिलते रहते हैं, उस दिशा निर्देश के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने A++ प्राप्त किया है और बहुत सारे विश्वविद्यालय नैक के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और मैडम उन पर लगातार व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके उनकी गुणवत्ता को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा और आप सबको प्रेरणा लेने का भी एक विषय है ये कि मैडम ने जब से सार्वजनिक जीवन में कदम रखा उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो हम सबको प्रेरणा देने का लगातार काम करते हैं। मैं अपनी कुलाधिपति महोदया का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या संस्थान हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लगातार आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और हम सब, हमारे सभी कुलपति, हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग उन दिशा निर्देशों को प्राप्त करके तमाम सुधार लाने का काम कर रहा है। बच्चों, मैं आज आप सबको बधाई देता हूं कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में डिग्रियां प्राप्त की हैं, पर मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, मेरा हिंदी में बात करने का मन था। मैं कुलाधिपति महोदया से भी क्षमा चाहता हूं कि ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इनको हमारी आंग्ल भाषा ज्यादा समझ में आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी मातृभाषा में आज बात करें। हम लोग इस समय चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। पहली औद्योगिक क्रांति तब हुई थी जब स्टीम इंजन का पहली बार पूरे विश्व में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। दूसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई थी जब विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ था। तीसरी औद्योगिक क्रांति बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन जब रेडियो तरंगों का
आविष्कार हुआ तो तीसरी औद्योगिक क्रांति थी। इस समय विश्व एक नई औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है, वो डेटा साइंस। इस समय जिसके पास डेटा है वही राजा है। जो समय आ रहा है वो डेटा की ओर बढ़ रहा है। जो सारी चीजें धीरे धीरे डेटा साइंस की ओर बढ़ती जा रही हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे चावा साहब बैठे हैं, पुराने समय में जब इंजन होता था उसमें 1800 पार्ट होते थे। आजकल आपकी आपका एक संयंत्र भी बना रहा है जो इलेक्ट्रिकल इंजन है, उसमें केवल 4 पार्ट है। चॉइसेस थी उस टाइम पे, बड़े कम चॉइस होते थे कि मैं आईएएस में जाऊं या फिर आईएम में जाऊं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। मैंने आईएम की तैयारी करी और मैंने ये बोला कि जाऊंगा तो मैं टॉप इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। मेरे तीसरे अटेम्प्ट में आईएम बैंगलोर का सिलेक्शन हुआ। आईएम बैंगलोर में एनटीयूसी में काम कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने आईशर ट्रैक्टर्स में जॉब करी फरीदाबाद में। फिर टोयोटा ने मेरे को जॉब मिल गया दुबई में। दुबई के बाद मैं वापस आया जनरल मोटर्स इंडिया में। तब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था इंडिया में, 90s की बात है। जीएम में आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉई। तो उस टाइम पे अगर कुछ लोगों को याद हो, मेरे जैसे ओल्ड अगर यहाँ बैठे हो, कि ओपल गाड़ी लॉन्च करी थी, ओपल एस्ट्रा। सो आई वाज द फर्स्ट सेल्स एंड मार्केटिंग गाय एंड ओपल एस्ट्रा लॉन्च करी। फिर मेरा ग्रोथ जीएम में होता गया। हमारा प्लांट मैम गुजरात में हलोल में है। और उस टाइम पे मेरा जब प्रमोशन होते गया तो मैं जापान गया, जापान से वापस इंडिया आया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना। फिर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना जनरल मोटर्स इंडिया का। बीबी सिंह सर उस टाइम पर प्रिंसिपल थे यहाँ पर। 2006-07 में उन्होंने मेरे को बुलाया था एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैंने मोदी जी के साथ काफ़ी काम किया, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो हमारी काफ़ी खिंचाई करते थे। और वो बोलते थे कि यहाँ पर हमेशा गुजरात में इंडस्ट्री के लिए कि चित्रोभा क्यों नहीं करते हो, यहाँ के ITIs को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते हो। उनके साथ मैं कोरिया जापान में भी किया गुजरात के इन्वेस्टमेंट के लिए। उस टाइम पे मैं अपने फादर को उस टाइम पे बोला करता था कि आर कंट्री नीड्स ए प्राइम मिनिस्टर लाइक हिम। जब मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जब मैं यहाँ का MD था। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया इजिप्ट में। फिर मैं नॉर्थ अफ्रीका का इंचार्ज बन गया। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया चाइना में। तो मैं चाइना में था। चाइना के बाद फिर मैंने जनरल मोटर्स 17-18 साल के बाद छोड़ी एंड देन आई जॉइन ए प्राइवेट इक्विटी कंपनी। प्राइवेट इक्विटी कंपनी मेरा लंदन में जॉब था। लंदन के बाद उन्होंने मेरे को इंचार्ज बनाया LA, लॉस एंजलिस, अमेरिका में। सो उस टाइम पे आई टू टेक ए कॉल। मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे थे कि या मैं, और मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे। तो तब ये था चॉइस कि या तो फिर अमेरिका में रह जाओ या फिर वापस आओ इंडिया। सो आई टू टेक कॉल टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज पेरेंट्स ओल्ड थे, इंडिया में काफ़ी कुछ करने के लिए था। तो उसके बाद फिर MG ब्रिटिश ब्रांड ये इंडिया में आना चाहते थे। और सो दे वर एस्टैब्लिशिंग द ऑपरेशन। मेरे लिए एक स्टार्टअप एक्सपीरियंस था। मैं MD तो बहुत पहले बन चुका था बट यहाँ पर मेरे को जीरो से स्टार्ट करना था। एज द लक वुड हैव बीन, अनफॉर्चुनेटली GM डिसाइडेड टू लीव द कंट्री। तो उनका जो प्लांट हलोल में बड़ौदा में था, वही हमने प्लांट उनसे लिया बड़ौदा में। हमारे जो चीफ मिनिस्टर मैम आपके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे रूपानी साहब, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। सभी प्यारे बच्चे जिसको आज गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी छात्र छात्राएं, देवी और सज्जन, सबसे पहले मैं ये विश्वविद्यालय को अभिनंदन करना चाहती हूँ। कड़ी मेहनत करके नेक एक्रेडिशन में एक ग्रेड प्राप्त किया है। सामूहिक प्रयास हो तो ही ये परिणाम हमें मिलता है। और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले अध्यापक हो, सहाध्यापक हो, स्टूडेंट्स हो, ये सभी मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जी जान से काम करें।
दिल से काम करें, आनंद और उत्साह से काम करें, बोझ ना लगे और विद्यार्थियों का विकास को केंद्र में रखकर काम करें तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा परिणाम हासिल कर सकता है। और ये मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ने ये करके दिखाया है। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो यूपी में ए ग्रेड प्राप्त कर रही है। मुझे याद है कि जब मैं नए एक्रेडिटेशन की बात करती थी तब हमारे वीसी डरते थे। डर का कारण मैं पूछती थी तब ये बोलते थे कि मान लो कि हमारी यूनिवर्सिटी का बी ग्रेड आ गया, ए बी प्लस आ गया तो हमारी यूनिवर्सिटी की जो पहचान है वो तो और बिगड़ जाएगी। दूसरा कारण ये था कि इसमें जो डेटा चाहिए, अभी डेटा की बात की हमारे मंत्री ने, डेटा चाहिए, वो डेटा हमें आदत ही नहीं है कि हर साल हम हमारे डेटा कलेक्ट करते रहेंगे। क्योंकि पिछले पांच साल का डेटा चाहिए और पिछले पांच साल में जो कोई काम हुआ इसका डेटा, उसका फोटोग्राफ, करिकुलम चेंज किया, एग्जाम, सब कुछ आपके पास होगा तो ही आप अपना ग्रेड प्राप्त कर सकते हो। और ये काम यूनिवर्सिटी ने करके दिखाया है। मैं फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन आपको रुकना नहीं है मित्रों, ये मिल गया ये तीसरे नहीं है, आगे बढ़ना है, वर्ल्ड रैंकिंग में जाना है मित्रों। और वर्ल्ड रैंकिंग में जाना है तो और ज्यादा काम और समाज लक्ष्य काम, टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग, नए नए नवाचार, ये सब कुछ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग, उसको सहाय, आर्थिक सहाय, समाज को जोड़ना पड़ेगा इसमें। ये सब मिलकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम वर्ल्ड रैंकिंग में भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। आज हमारे बीच में गोल्ड मेडल लेने वाले स्टूडेंट बैठे हैं, ये सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जिसको गोल्ड मेडल नहीं मिला उनको भी बधाई, इतनी ही बधाई देती हूँ। होता ज्यादा डिफरेंट नहीं होता और इसी वजह से मन में ये नहीं होना चाहिए कि उसको मिला मुझे नहीं मिला। चापा जी ने सही कहा, कंपेयर मत करिए, आप कोई और अलग आगे जाकर कर सकते हो। जो आपने पढ़ा है, जो आपको सिखाया है, जो आपको मार्गदर्शन मिला है उसको लेकर आगे बढ़ते रहिए और अपने परिवार का और यूनिवर्सिटी का गौरव बढ़े ऐसे प्रयास करते रहे। यूनिवर्सिटी ने 5 का गोद लिए थे, टीबी वाले बच्चों को गोद लिया और विविध प्रकरण की प्रवृत्तियों बच्चों के पास करवाई, विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के पास भी करवाई और आज ये सभी बच्चों का सम्मान किया गया। देखिए सब गांव के बच्चे, हम भी गांव वाले, मैं एक छोटे से गांव में से पैदा हुई, तो गांव के बच्चों में भी कई टैलेंट है मित्रों, लेकिन उसको अवसर प्रदान करना चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म अवसर मिलने का काम, देने का काम यूनिवर्सिटियों का होता है। यूनिवर्सिटी जो अलग हो जाएगी और उसका संबंध गांव के साथ, गांव की कृषि के साथ, गांव के बच्चों के साथ, गांव में जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं के संबंधित समस्याएं हैं,
युवाओं के संबंधित समस्या है, ये समस्याओं को समझकर उसका समाधान करना ये यूनिवर्सिटियों का काम, उन पर रिसर्च करना, नई टेक्निक ढूंढना, ये सब यूनिवर्सिटी का काम। लेकिन हम पिछले कई सालों से ये भूल गए, वक्त, लेक्चर, एग्जाम, प्रवेश, रिजल्ट, इसमें ही हम सब सीमित हो गए। और इसी वजह से जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये प्राप्त होना चाहिए। मित्र, मैं मुझे दो बुक दी गई, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसमें मैंने दो पेंटिंग निकाले, दोनों पेंटिंग महिलाओं के बारे में, और इतना सुंदर पेंटिंग किया है, एक पेंटिंग वो है, ये पेंटिंग ये कहता है, मैं पढ़ती हूँ जिसने लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। यह चित्र वास्तविक रूप से हमारे आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। महिलाओं का शोषण हमारे समाज में बहुत ही सामान्य हो गया है, जो बहुत ही आक्रामक और अपमानजनक होता है। इसी के साथ यह एक कानूनी अपराध भी होता है। समाज के सभी वर्गों के लिए उत्पीड़न एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इसे व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसलिए हमें इसे होने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने होंगे, जिससे हम उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित है। एक पूरा चित्र के द्वारा उसने एक संदेश हम सबके सामने रखा। दूसरा चित्र है, ये भी इतना ही सुंदर चित्र है, जरा पेरेंट्स देख ले सब कुछ। ये चित्र के माध्यम से यह चित्र प्रदर्शित करता है कि स्त्री मूल रूप से प्रकृति प्रेमी होती है, एवं इनमें प्रकृति की भांति ही संवेदना, दया, करुणा आदि गुणों का वास होता है। इस चित्र में स्पष्ट रूप से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इनकी दृष्टि पुष्प से कोमल होती है, एवं मस्तिष्क में पवित्र विचार वास करते हैं। स्त्रियों के हाथ में समस्त ब्रह्मांड के लालन पालन का दायित्व होता है, इनमें प्रकृति से अनेकों संभावनाएं बसी होती है, जो इनके अंतर मन में छुपी रहती है। इस चित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्री की प्रकृति के सौंदर्य को प्रदर्शित करती है। अब मैं आप सबको ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पहले जो स्त्रियों के बारे में आपके सामने विषय रखा, और दूसरी बात जो दूसरे चित्र के विचार चित्रकार का है ये आपके सामने रखा, आपको कोई विचार अंदर आता है? पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए ना मित्रों। पहला वाला चित्र कहता है कि दूसरा वाला चित्र ठीक कहता है? सुना कि नहीं सुना? जरा हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए दूसरा वाला। हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको क्या लगता है, क्या लगता है मित्रों? क्यों चुप हो गए सब?
आगे पीछे करके और उपस्थित समस्त देवियों एवं सज्जनों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर निखिल शुक्ला है और मैं अमेठी जिले से हूँ। मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में टॉप करने पर गोल्ड मेडल मिला है। मैं अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन एक PSU है उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ रिसर्च साइंटिस्ट और मैंने अभी 21 जुलाई को ज्वाइन करा है। इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और जो भी मेरे अभी तक के गुरुजन हैं स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक के मैं उनको ही श्रेय देना चाहूँगा। उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन दिया जिसके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आप ये ना सोचें कि आपको इतना पैकेज मिलना है या फिर मैं इस कंपनी में जाऊँ। आप इसलिए पढ़ाई करें कि आपको देश के लिए कुछ करना चाह आप देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए पढ़ाई करें। ऐसे आप पढ़ाई करें जिससे कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे जैसे कि मैं था। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद असद। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहूँ? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को और अपने प्रोफेसर को देना चाहूँगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब सम्मान पाना ही राज्यपाल जी से एक बहुत बड़ी बात है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे छात्र जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें? सो मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना कि हार्ड वर्क करना चाहिए। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टू डू स्मार्ट वर्क।